वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि सर हमें बिटुमिनस लेयर के बारे में, बीसी या डीबीएम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो चलिए मैं आपको कुछ आज जानकारी देता हूँ। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं अभी, यहाँ पे मैं जिस पे चल रहा हूँ, ये बिटुमिनस मैकेडम है, बीएम कहते हैं इसे। ये प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड था इसके पहले, इसके नीचे ये टू लेन का रोड था, इसके लिए बोथ साइड कैम्बर था। तो इसको मैचिंग करने के लिए अभी हम लोग जो फोर लेन बना रहे हैं, तो इसको मैचिंग करना पड़ेगा, स्लोप एक साइड जाएगा। इसके लिए प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे बीएम लेइंग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यूएम किया है, ये डब्ल्यूएम हो चुका है, और उसके ऊपर हमने प्राइम कोट और उसके बाद टैक कोट मार के हमने यहाँ पे वाइडनिंग किया हुआ है, और इसके ऊपर एक डीबीएम का फर्स्ट लेयर हम लोग बिछा चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, और अभी इस पोर्शन में हम लोग अभी एग्जिस्टिंग वो के ऊपर बीएम वर्क कर रहे हैं, बिटुमिनस मैकेडम, और उसके बाद हम इसको प्रोफाइल करेक्टिव क्रॉस डाल के इसके ऊपर फाइनल बीसी करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर ये जब स्टार्ट करते हैं तो लेयर का थिकनेस कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हम लोग पेवर को रख जब स्टार्ट में शुरू करते हैं, तो उसके नीचे हमको मान लीजिए लेयर थिकनेस हमारी 100 mm है या 80 mm है, तो हम लोग जो लूज थिकनेस मान लीजिए 15 mm से 20 mm जो भी हमको लेना है, उसको लेके हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो 120 mm का वुडन लॉग उसके ऊपर रख देते हैं, सेंसर ऑलरेडी लगे रहते हैं साइड में पेक के ऊपर, और उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेवर का गेज मेंटेन करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं पेवर के पास आपको दिखा दूंगा। फर्स्टली मैं आपको ये जो बीएम दिखा रहा हूँ इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स में आप देखेंगे एक साइड में थिकनेस बहुत ही कम है, बोलने से 0 to 40 mm, और दूसरी साइड में हम लोग जो थिकनेस डालते हैं वो थिकनेस हो सकती है 100 mm, 150 mm, 200 mm भी हो सकती है। तो ये जो थिकनेस है ये साइड के सिर्फ 500 mm या 1 meter तक की ज़्यादा थिकनेस है, और उसके बाद ये थिकनेस कम कम वैरी होती जाती है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पे PTR चल रहा है, PTR न्यूमेटिक टायर रोलर। उसके बाद हम देख सकते हैं आगे में एक टैंडम रोलर भी खड़ा है, इससे इसकी रोलिंग की जाती है, पासेस डिसाइड की जाते हैं, ट्रायल स्ट्रेच बनाया जाता है हमारे कैंप में या साइट पे, वहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने पासेस मारने के बाद उसकी डेंसिटी अचीव हो रही है। तो वो सब टेक्निकल पार्ट है, वो सारी चीज़ें हर साइट के लिए अलग अलग होती है, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो चलिए हम लोग अभी पेवर के पास चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। इन बिटवीन मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर के, आप देख सकती है ये कैसे कर रहा है। इसको कंटिन्यूसली पानी का स्प्रे चाहिए ताकि ये बिटुमिनम को ना चिपके। आगे जो 5 tire है उसके जो गैप है बराबर उसके बीच में पीछे 4 tire होते हैं, उसी तरह से उसका न्यूमेटिक रोलिंग होता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग बीएम करते हैं एग्जिस्टिंग के रोड के ऊपर, तो इसके एग्जिस्टिंग के ऊपर पहले हम टैक कोट मारते हैं और उसके बाद बीएम करते हैं। उस इन बिटवीन हमको प्राइम कोट की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम लोग डब्ल्यूएम के ऊपर कर रहे होते तो फर्स्ट कोर्स हमारा प्राइम कोट का होता है। तो प्राइम कोट और टैक कोट क्या होता है इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे प्राइम कोट टैक कोट कैसे यूज़ होता है, कितना स्प्रेड करना होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सुपर 1800 होगले का पेवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंसर है, सेंसर में बहुत सारी इधर कीज होती है, F1, F2, F3, F4, सारे के डिटेल अलग अलग होते हैं। स्विच होता है जो कि बंद करने का होता है, फिर उसके बाद स्क्रीड, ये स्क्रीड का सिंबल है, स्क्रीड अप डाउन है, ये लेफ्ट साइड का है, इधर में जो दिया है वो राइट का है, स्क्रीड अप डाउन,
और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन होता है उसके लिए प्लस माइनस सब चीज़ें ऊपर नीचे की हर सारी चीज़ें दी थी। ऑगर का ऑगर घुमाने का दिया हुआ है, ऑगर का साइन है, ऑगर इस साइड का उस साइड का। अगर मैं आपको बता दूं कि जो ऑगर होता है वो ये जो जो देख रहे हैं आप इसको ऑगर कहते हैं, जिससे एस्पल्ट का जो मटेरियल है उसको दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, एक गेज है जिससे हम लोग नापते हैं। इसके अंदर जहाँ ये मटेरियल पड़ा है इसके सेंटर में एक चेन है जो कि घूमते रहती है और मटेरियल अंदर चला जाता है। ये हॉपर है जो देख रही है दोनों साइड में, ये हॉपर अंदर बाहर होता है। ये इसके ऊपर हम लोग गाड़ी का टायर लगता है, ये रोटेट होता है ताकि उसको पुश करते करते आगे चलते रहता है। या आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न पेवर स्क्रीड, ये जो पूरा पोर्शन है ये जो आप देख रहे हैं ये इसको स्क्रीड कहते हैं पूरा, जो कि चीज़ों को लेके चलता है। और पेवर में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर फ्लोटिंग, स्क्रीड होल्ड, स्क्रीड असिस्ट, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उसकी ऑपरेशन बहुत अलग अलग होती है। जब एस्पाल्ट का वक्त चल रहा है और लोड को आने में देरी होती है तो एस्पाल्ट थोड़ा ठंडा हो जाता है, आगे वाला जो न्यू एस्पाल्ट है वो गर्म होता है। और जब हम लोग पेवर जब स्टार्ट करते हैं अगेन तो उसके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है मटेरियल के अंदर। तो स्क्रीड जब फ्लोटिंग मोड पे चलती है हमेशा, जब लेइंग करती है, अगर पेविंग मोड पे चलती है, अगर हम उसको स्क्रीड होल्ड कर देते तो वो एक ही लेवल में आगे होके बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो पेवर से संबंधित है। हम यहाँ पे एस्पाल्ट के बारे में देखेंगे तो ये BM का वर्क चल रहा है, यहाँ पे रोलर चल रहा है, इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको अगर चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।